बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के औरंगाबाद के अति नक्सल प्रभावित मदनपुर के भीतर धोकरी में वृक्ष विहीन पहाड़ों को हरा भरा बनाने के पायलट प्रोजेक्ट अरण्य एक आकाशीय वृक्षारोपण पहल की शुरुआत करने के बाद उनके जाते ही पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इसी इलाके में नक्सल विरोधी अभियान में पचरुखिया और अकराहट के जंगल से कुल 12 बेहद शक्तिशाली प्रेशर आईईडी बम बरामद किया है। हालांकि पुलिस ने बरामद आईईडी बम को मौके पर ही विस्फोट कर विनष्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि पुलिस ने मंत्री के कार्यक्रम में विघ्न नहीं आने देने को लेकर ही मंत्री के कार्यक्रम से चले जाने के बाद किया है। जंगल के आसपास कुछ पॉइंट्स को चिन्हित कर नक्सल गतिविधियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि छापेमारी अभियान के फलस्वरूप नक्सलियों का मनोबल काफी गिरा हुआ है। नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु लगातार छापेमारी अभियान जारी है। औरंगाबाद पुलिस के द्वारा नक्सली के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है उसकी एक और कड़ी में कल जो है औरंगाबाद पुलिस के द्वारा बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। इसमें औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में एक SIT टीम का गठन किया गया था। उस SIT टीम के अंतर्गत जो है CRPF के 205 कोबरा बटालियन है उनके असिस्टेंट कमांडेंट श्री उपेंद्र प्रताप सिंह जी और SDPO मदनपुर के अध्यक्षता में एक SIT टीम बनाई गई थी पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में। और इसी के अंतर्गत जो है पंचरुखिया एवं अकराहट के जो जंगल है उसी के पास में एक P6 पॉइंट जो डोमिनेट किया गया था। उसमें होता क्या है कि हम लोग जो पूरे एरिया को ग्रिड सिस्टम में बनाते हैं और ग्रिड सिस्टम के बाद चीज़ों को उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो उसमें P6 पॉइंट के पास में कुल लगभग कल 19 तारीख को 12 प्रेशर आईडी बरामद किया गया और 12 प्रेशर आईडी लगभग 2 से 3 केजी का था। तो इस तरीके से एक ही दिन में इतनी ज़्यादा मात्रा में जो बरामद की गई है वो बहुत ही बड़ा मात्रा है और उसको हम लोग वहीं पर विनष्ट कर दिए और इसमें किसी भी तरीके की जान माल की क्षति नहीं हुई है। स्थिति शांतिपूर्ण है और ये छापेमारी लगातार चलती रहेगी। दरअसल औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के उमगा की पहाड़ी क्षेत्र में आज वन विभाग के द्वारा 75वां महोत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने किया। मंत्री प्रेम कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि पर्यावरण आज दुनिया के लिए संकट बना हुआ है, जिसको लेकर बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए दक्षिणी बिहार के पहाड़ियों के ऊपर पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया है। बहुत बड़ी पहल है। क्या है ये? पूरी दुनिया आज एक संकट के दौर से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, मौसम बदल रहा है, वर्षा का समय पर न होना विगत वर्षों में देखा, जैसे औरंगाबाद में, गया जिले में, नवादा में हीट वेव के कारण हजारों जान चली गई थी। तभी हम सबों ने एक निर्णय लिया है पर्यावरण वन जलवायु विभाग के माध्यम से। ऐसे में 15 जुलाई को प्रारंभ किया था गया जिले में, मोक्ष ज्ञान की भूमि मंगलापुर की भूमि है और वहाँ से हमने स्टार्ट किया था मैनुअल। लगा मैनुअल से काम चलेगा नहीं, तो लगा कि उसके लिए ज़रूरत है ड्रोन। गया जिले में ब्रह्मभूमि पर्वत पर जाकर के रेशिला और कई पहाड़ियाँ वहाँ पर जाकर के है और यहाँ पर 25,000 का लक्ष्य हमारा है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवादा को भी शामिल किया गया। 3 जिलों में तो नंगे पहाड़ उनको हरित आवरण के लिए हम लोग तय किया है जाकर के और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए एक अच्छा पहल जाकर के है और आगे हमने तय किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद दक्षिण बिहार के भभुआ, रोहतास, जमुई, शेखपुरा, उधर अपना लखीसराय और मुंगेर, ऐसे जो दक्षिण बिहार के जिले हैं और त्रासदी रही है। दक्षिण बिहार में सुखाड़ ज़्यादा पड़ता है, वर्षा का अभाव होता है। इन चीज़ों को देखते हुए तय किया है कि प्रथम चरण में आज पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों को औरंगाबाद में शुरुआत हमने की, श्री गणेश किया हमने है। आगे यानी कि 22 तारीख को नवादा हमारा है, 23 तारीख को गया जी की धरती पर जाकर के है और पूरा लक्ष्य जो हम तय किया है निश्चित तौर पर आने वाले समय में मानव जीवन के लिए, वन प्राणियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए पर्यावरण जरूरी है। और झारखंड बंटवारे के बाद बिहार में मात्र 7% बन रह गए थे। पिछली सरकार ध्यान नहीं थी, हम सरकार में जब आए तो हमारे नेता नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी जी के बेहतर प्रयास बिहार वन मनों के क्षेत्र में हम 15% पहुँच गए, 17 का लक्ष्य हमारा जाकर के।
और चालू वित्तीय वर्ष में हम 4 करोड़ 80 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था, हम 2 करोड़ का पार कर गए हैं। हालांकि इस महोत्सव में जिला के ना तो विधायक ही उपस्थित थे और न ही सांसद। हालांकि ये महोत्सव के माध्यम से लोगों को जागरूक करना था कि जलवायु को नियंत्रित करने के लिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है, लेकिन रोना तो इस बात का है कि जिस जगह पर विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां ना तो ग्रामीण ही उपस्थित थे, ना ही मदनपुर प्रखंड के कोई अधिकारी, यहां तक कि मदनपुर प्रखंड के पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि ने भी इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था, क्योंकि इस कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं दी गई थी उन्हें, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जलवायु संरक्षण के लिए नहीं बल्कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही पायलट प्रोजेक्ट का खाना पूर्ति किया गया है। हालांकि वहां पर उपस्थित जन समुदाय को देख बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार भी खासे नाराज नजर आए। औरंगाबाद से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।